हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिलैक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे विजिट टू मॉन्टेरिया रिजॉर्ट के बारे में। वहाँ पर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम बाय रोड ये मॉन्टेरिया रिजॉर्ट पे गए थे और ये करजत में है, जो कि खालापुर विलेज में सिचुएटेड है। करजत स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर्स दूर है और हम मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है आपको, एंड इवन अगर आप ड्राइवर को लेके जा रहे हैं तो ड्राइवर अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट, बट इट इज़ अवेलेबल। वहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क करके वी वेंट टू द रिसेप्शन फॉर द चेक इन, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन वी वेंट टू द चेक इन एरिया। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के जो रूम्स हैं जो अवेलेबल हैं, फ्रॉम विच यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज डीलक्स, सेकंड वन इज सुपर डीलक्स, एंड द थर्ड वन इज शैली। नाउ डीलक्स एंड सुपर डीलक्स बेसिकली रिजॉर्ट के एंट्रेंस के अंदर ही हैं, बट शैले जो हैं इट इज़ बेसिकली दे आर दी स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ वुडन कॉटेजेस, जिसका एरिया थोड़ा सा रिजॉर्ट के बाहर अलग है। और उसके अंदर शैले के अंदर हमने सबसे बड़ी जो शैले है, जो जॉइंट कॉटेज थी जिसमें दो कॉटेजेस को ज्वाइन करा जाता है, वो एक ही है वहाँ पर, वो हमने बुक किया था। और अब मैं आपको उसकी क्लिप्स दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये शैले इज एक्चुअली मेड आउट ऑफ वुड, एंड दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ऑल दीज शैलेज। ये एक्चुअली दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ स्विट्जरलैंड कॉटेजेस। रूम साइज अगर इंडिविजुअल होगा तो आपको थोड़ा छोटा लग सकता है, बट बिकॉज हमने ये जॉइंट शैले लिया था जिसके बीच क्या एरिया में देर वॉज अ बिग सिटिंग एरिया, जिसके कारण वी फेल्ट इट वॉज वेरी नाइस। एक चीज़ जो वहाँ पर मैंने जो रूम्स के अंदर देखी, जो इसमें जहाँ पर बाथरूम और जो टॉयलेट्स हैं वो अलग अलग हैं, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब रूम के बारे में मैं आपको बताऊं, वहाँ पर आपको एक तो रूम स्लिपर्स नहीं मिलती हैं, वहाँ पर आपको बाथरूम्स नहीं मिलते हैं। वाटर इज़ इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। एक रूम में आपको फॉर टू पीपल दे गिव टू बॉटल्स एंड आफ्टर दैट इट इज़ चार्जेबल, बट ओवरऑल द लुक एंड फील वॉज वेरी नाइस। रूम सर्विस इज़ वेरी गुड, बिकॉज जब भी हमने उन्हें कॉल किया द पीपल केम इवन एट लेट आवर्स इन द नाइट, वी नीडेड देयर हेल्प, दे केम ओवर देयर इन द मॉर्निंग, दे वर देयर। सो सर्विस वाइज देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द रिजॉर्ट, सर्विस इज़ रियली गुड। अदर देन दैट, शैली एरिया के अंदर एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पर बाहर ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है एंड इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, एंड लेट मी शो यू सम क्लिप्स ऑफ द ग्रीनरी आउटसाइड शैली। नाउ शैले एरिया के एक एंड पे और बहुत अमेजिंग चीज़ है, वहाँ पर एक झूला है जिसके ऊपर आप बैठ के स्विंग ले सकते हैं, एंड बहुत मज़ा आता है व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट ग्रीन जोन एंड शैले इज ऑल अराउंड यू और आप नेचर को एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू आर शैले एक वहाँ पर जो है पार्टी एरिया है, जहाँ पर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर अपना म्यूज़िक खुद वहाँ प्ले कर सकते हैं और म्यूज़िक के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, और हमने रात को वही किया था। एंड हेयर आर सम ऑफ द क्लिप्स हाउ वी हैड सम ग्रेट फन इन दैट पार्टी एरिया।
अब हम रूम्स के बारे में सब देख चुके हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ जो कि मोंटेरिया रिजॉर्ट में आपको मिलती हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी एडवेंचर एक्टिविटीज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वहाँ पर एक 13 इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि बेसिकली एक आप लगा लीजिए वीडियो गेम की तरह होता है। इन दैट यू हैव डिफरेंट स्टेजेस टू कवर, तो आप वो स्टेजेस कवर करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं और मैं वो अब आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोंटेरिया रिजॉर्ट में जितने भी गाइड्स हैं और जो भी वहाँ पर सर्विस पीपल हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। जो ये 13 इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी हमने की थी, इसके अंदर भी द गाइड मेड इट लुक वेरी सिंपल एंड ही मोटिवेटेड अस रियली वेल एंड ही गेव रियली गुड इंस्ट्रक्शंस, जिससे कि वी वर एबल टू फिनिश दिस इन अराउंड 20-25 मिनट्स एंड इट वॉज रियली फन। एक और वहाँ पर अमेजिंग चीज़ आप कर सकते हैं, इफ़ यू जस्ट वांट अ वन डे ट्रिप, सो यू कैन गो ओवर देयर एट अराउंड 9 इन द मॉर्निंग। यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर एक्टिविटीज़ एंड एंजॉय द फूड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी। ये सब का भी उनका एक अलग से पैकेज है फॉर अ डेज ट्रिप। आफ्टर दैट हमने वहाँ पर दूसरी जो एडवेंचर एक्टिविटी है वो है ज़िप लाइन, उसको कवर किया। एंड अगेन ज़िप लाइन के बारे में मैं बोलूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बहुत मतलब आपको डर नहीं लगेगा एंड सेकेंडली आप नेचर इन्जॉय करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर वाया ज़िप लाइन, तो नेचर आपको देख के बहुत मज़ा आता है। सो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अगेन द इंस्ट्रक्टर्स वर वेरी हेल्पफुल। अदर देन ज़िपलाइन, देवर अदर टू एक्टिविटीज़ जो कि राइफल शूटिंग और आर्चरी की एक्टिविटी हैं। ये एक ही हॉल में है एंड द गाइड्स आर वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द राइफल शूटिंग। इसमें आपको 10 राउंड्स ऑफ राइफल शूटिंग मिल जाते हैं एंड हियर इज़ हाउ द गाइड हेल्प्ड अस इन एक्सप्लेनिंग एंड ही जस्ट गाइडेड अस सो वेल विद द राइफल शूटिंग। After we finished the rifle shooting, then the same guide helped us and gave us all the instruction for archery. And archery में हमें 6 arrows मिलते हैं per person. And here is how he helped us with archery and here's how we did it. इसके अलावा वहाँ पर कुछ indoor और outdoor games भी हैं। indoor games का एक अलग game room बना हुआ है जिसके अंदर आपको carrom board, chess, table tennis, snakes and ladders and ludo जैसी गेम्स खेलने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आउटडोर गेम्स में वी एक्सप्लोर्ड क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। इसके अलावा वहाँ पर कुछ गार्डन भी हैं वे यू कैन जस्ट रोम अराउंड एंड एंजॉय द नेचर विच इज रियली रियली ऑसम। इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज और गार्डन के अलावा वहाँ पर एक आफ्टरनून में 3-5 ओपन रहती है जगह, जो कि बहुत मज़ेदार है, जिसको वाटर पार्क कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। जब सबसे पहले वहाँ पर एक बकेट है विच इज़ ऑन द टॉप और उसके अंदर से थोड़े थोड़े टाइम बाद वाटर स्प्लैश होता है नीचे सब जगह एंड जब वो वाटर आपके ऊपर गिरता है तो बहुत मज़ा आता है। प्लस यहाँ पर अलग अलग तरह की स्लाइड्स भी हैं एंड आई वुड रियली वॉन्ट दैट यू गो एंड हैव सम ग्रेट फन विद ईच एंड एवरी स्लाइड। वी हैड सम अमेजिंग टाइम इनसाइड द वाटर पार्क and you should definitely try and check out the water park between 3 PM to 5 PM and it's gonna be good fun. water park ke alawa wahan par ek swimming pool bhi hai jahan par rain dance ka bhi provision hai and swimming pool size is really good and it is not that deep, jyada deep nahi hai and even if you don't know swimming still you can go and have some fun by just you know roaming around the swimming pool area. एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि swimming pool के area के पास आपको कोई towels या bathrobes नहीं available रहते, so you have to carry that from your own side.
अब इसके अलावा वहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दैट वाज द फूड। सो फूड बेसिकली आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग हाई टी और डिनर पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है, विच इज़ रियली गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा आपको बुफे का अरेंजमेंट नहीं मिलता, बट लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी होता है वो अच्छा मिलता है। सो द फूड क्वालिटी वॉट एवर इज़ अवेलेबल इज़ रियली गुड, एंड दे हैव सम डिफरेंट वेन्यूज़ जहाँ पर ये फूड अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि हमारे जाने वाले टाइम पे वहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच हुआ था बैंकेट हॉल में, एंड इवनिंग हाई टी हमारा पूल डेक एरिया में हुआ था। एंड डिनर वॉज इन द रेस्टोरेंट एंड बार। देर इज ऑल्सो अनदर रेस्टोरेंट देयर जो जिसका नाम है रूफ टॉप रेस्टोरेंट, एंड दैट इज बेसिकली द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैड इन द फूड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मॉन्टेरिया रिजॉर्ट के बारे में और उसके रिव्यू के बारे में, तो ये एक 5-स्टार होटल की तरह आपको नहीं लगेगा, बट हैविंग सेड दैट, जिस प्राइस में वो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हेन वी वेंट, सो पर पर्सन कॉस्ट वॉज 4,500 विच इंक्लूडेड ऑल दी एक्टिविटीज़। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ पेड हैं जैसे कि राइफल शूटिंग, आर्चरी एंड ज़िपलाइन। सो उसके लिए जो है यू मस्ट गेट देम बुकड एडवांस्ड, बिकॉज एडवांस बुकिंग के टाइम पे अगर आप इनको बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा। अगर आप वहाँ जाके करेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द एडवांस बुकिंग डिस्काउंट। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पर पर्सन कॉस्ट इज़ 4,500, जिसमें आपको सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग हाई टी, खाना भी सारा मिला, आपको सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिली, आपको इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ भी मिली, आपको इंडोर आउटडोर गेम्स भी मिले, आपको गार्डन एक्सप्लोर करने का भी मिल गया, आपको वाटर पार्क भी मिल गया, आपको स्विमिंग पूल भी मिल गया, एंड ऑफ कोर्स यू नो यू गॉट दैट शैले व्हिच इज़ इन अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। सो आई थिंक दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट बिकॉज ऑफ ऑल दीज वैल्यू बेस्ड थिंग्स, बिकॉज अगर वहाँ पर इतना कुछ है और इस प्राइस में इज़ रियली गुड, ऑब्वियसली द लुक एंड फील जैसे मैंने आपको कहा, तो ये एक 5-स्टार रिजॉर्ट की तरह आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बट इट इज़ लाइक यू नो यू स्टिल मैनेज इट विद व्हेन इट कंपेयर्स टू द प्राइस। सो कर्जत के अंदर अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट मॉन्टेरिया रिजॉर्ट इज़ अ प्लेस दैट यू शुड गो एंड चेक। यहाँ पर आने का भी मैं आपको बता दूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, रोड पे ही आपको इसका एंट्रेंस दिख जाता है, सो आपको वहाँ पर कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मॉन्टेरिया रिजॉर्ट, एंड दैट इज़ what we felt. Before we leave, I would say that if you like this video, then please hit the like button, please subscribe to our channel, and if you need any information about Monteria Resort, then please leave a comment. How did you feel about this video? Please leave your feedback in the comment section, and as I said, if you have any questions, please feel free to ask in the comment and we will definitely try and help you out with the best of our knowledge. And that's pretty much it for this video, and thanks so much for watching this video till the end, and we will see you very soon.